हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ आया हूं, जिसमें कि सर को मैं लगाने जा रहा हूं क्लिपिंग सिस्टम एयर बैच। और सर हमारे पास काफी दूर से आए थे, इस वजह से सर हमारे पास रेगुलरली सर्विस के लिए नहीं आ सकते हैं। तो सर का ये रहा क्लिपिंग सिस्टम एयर बैच, जिसमें की तीन जगह हम क्लिप लगाएंगे, दो साइड में, एक बैक में और फ्रंट में लगाएंगे टेप, जिसमें की सर घर पे खुद से निकाल सकते हैं और खुद से ही लगा सकते हैं। क्लिपिंग सिस्टम में एक बेनिफिट ये होता है कि आप घर पे खुद से निकाल सकते हैं और खुद से भी लगा सकते हैं। ब्लू सिस्टम में हर 25 से 30 दिन पे आपको सर्विस के लिए आना पड़ेगा। क्लिपिंग सिस्टम में ये बेनिफिट रहता है कि आपके अपने जो एडजस्टिंग हेयर होते हैं उसको हम रिमूव नहीं करते हैं। और ब्लू सिस्टम और टेपिंग सिस्टम में क्या होता है कि आपके जो एडजस्टिंग हेयर होते हैं साइज बाई साइज उसको रिमूव करना पड़ता है। मैंने सर को प्रॉपर तरीके से बताया कि आपको हेयर पैच घर पे कैसे लगाना है। तो तीन फिंगर माथे पर रखनी है, माथे पर रखने के बाद एक डॉट लगाना है, डॉट लगाने के बाद उसी जगह पे आपको हेयर पैच लगाना है, जैसा कि मैं सर को पूरा प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ। पैच लगाने के बाद हम करेंगे सर का प्रॉपर तरीके से एक हेयर कट। सर को हेयर कट जो चाहिए था एकदम नेचुरल हेयर कट चाहिए था, क्योंकि इनकी एज बहुत ज्यादा नहीं है, कह सकते हैं 22 की एज है सर की, और 22 में ही सर के पूरे हेयर जा चुके हैं। उस वजह से सर का हमें बहुत ज्यादा पफी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा हैवी नहीं चाहिए, एकदम नेचुरल हेयर कट चाहिए था सर को, तो हमने बिल्कुल नेचुरल हेयर कट दिया है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को सर का एकदम नेचुरल हेयर लग रहा है या नहीं लग रहा है। और हाँ, ये वीडियो उन लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा जिनको हेयर की प्रॉब्लम है। आपके एक सपोर्ट से बहुत लोगों की हेल्प हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।